हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डालचन और आप देख रहे हैं पाथ मेकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने जो है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसका नाम था पॉलीनोमियल यानी बहुपद। दोस्तों, इसके बारे में हमने जो उसका क्लासिफिकेशन करा था और कुछ जो बेसिक चीज़ें समझी थी, ठीक है। अब हम जो है 2.1 जो है स्टार्ट करने वाले हैं। और देखिए 2.1 में देखिए दोस्तों, वैसे तो 2.1 जो है स्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनमें वही क्वेश्चंस हैं जो हमने एग्जांपल्स में करे थे, जो हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल्स में करे थे वही क्वेश्चंस हैं। तो मेरे हिसाब से वो यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जो उसको घर पे लगाइए, और अगर आपको वो ना आए तो आप हमारी पिछली वीडियोस को देखिए, उसके अंदर अच्छी तरीके से बता रखा है कि उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो अब हम जो इसके आगे की बात करते हैं, चलिए अगला टॉपिक है जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल क्या होता है। देखिए, जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, ठीक है, पॉलीनोमियल्स, ठीक है, जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल्स होता क्या आखिर, जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल्स, ठीक है। अब देखिए, हम उसे समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलीनोमियल्स दिया हुआ है, 2x² + 4x + 2, ठीक है, ये हमारे पास एक पॉलीनोमियल दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों देखिए, ये पॉलीनोमियल कौन सा पॉलीनोमियल दोस्तों, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। क्यों है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्योंकि इसकी पावर 2 है, ठीक है। और अगर मैं टर्म्स के बेस पर देखूं तो कौन सा पॉलीनोमियल दोस्तों, ट्राइनोमियल है। कौन सा दोस्तों, ट्राइनोमियल यानी तीन पदों वाला है, ठीक है। अब देखिए, अब बोलता है जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल निकालिए, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, तो पी एक्स की वैल्यू है, ये पी एक्स की वैल्यू है, ठीक है। अब मैं इसे जो इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, एफ एक्स फंक्शन एफ एक्स, और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, और जो फंक्शन ऑफ x है वो क्या है, ये है 2x² + 4x + 2 है, ठीक है। मैं इसे ऊपर बताता हूँ, y इक्वल टू एफ एक्स ऐसे लिख सकता हूँ, यानी y जो फंक्शन है किसका, x का। इसका मैंने मतलब बताया था पिछली क्लास में कि y फंक्शन है x का, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब था कि y जो है दोस्तों डिपेंडेंट जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x जो है इनडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब देखिए, तो जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, अब मैं इसमें बताता हूँ, अगर मैं x की जगह पे जीरो रख देता हूँ दोस्तों, x की जगह पे जीरो रख देता हूँ, ठीक है, x की जगह पे जीरो रख दूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 0² + 4 0 + 2, तो क्या आंसर आ गया, देखो ये हो गया जीरो पूरा, और ये हो गया जीरो, और ये हो गया प्लस टू, यानी सिर्फ दो बचा, ठीक है, सिर्फ दो बचा। अगर दोस्तों हमें x की वैल्यू रखने पर किसी पॉलीनोमियल में, अगर वो पॉलीनोमियल जीरो हो जाता है, जैसे इस केस में अगर देखूं मैं, तो इस केस में दो आया है, ठीक है, इस केस में दो आया है, तो ये जो है पॉलीनोमियल का जीरोस नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, पॉलीनोमियल का जीरोस नहीं होगा। और अगर किसी पॉलीनोमियल में मैं एक्स की वैल्यू कोई रखता हूं, और जो इक्वेशन जो जीरो आ जाती है दो की बजाय, या किसी अदर नंबर की बजाय जीरो आ जाती है, तो वो नंबर उस पॉलीनोमियल का जीरो होगा। एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एग्जाम्पल इसका, थ्री एक्स प्लस टू, अगर ये मेरा एक पॉलीनोमियल है, कौन सा पॉलीनोमियल दोस्तों, लीनियर पॉलीनोमियल है, यानी रैखिक बहुपद है। अगर रैखिक बहुपद है, यहाँ पे मैं x की कौन सी वैल्यू रखूँ कि ये जीरो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, x की कौन सी वैल्यू रखूंगा कि जीरो हो जाएगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे 3 - 1 रखता हूँ और प्लस 2, 3 * 3 - 3 + 2 कितना आएगा दोस्तों, माइनस का वन आया, तो इसका मतलब ये जो है पॉलीनोमियल यानी x बराबर -1 इस पॉलीनोमियल का जीरोस नहीं है, ठीक है, जीरोस नहीं है। अब देखिए, अगर मैं अब ये एक पॉलीनोमियल ले लूँ 2x + 2, ठीक है, 2x + 2, अब यहाँ पे मैं अगर x बराबर 2 रख लेता हूँ, तो 2 दुनी और ये 2 - 4 + 2 कितना आ गया, 6 आ गया, क्या ये भी जो है x बराबर 2 इस पॉलीनोमियल का जीरोस है, तो आप कहेंगे नहीं है जीरोस, ठीक है। अब देखिए, अगर अब मैं यहाँ पे जो है x प्लस 2 है यही पॉलीनोमियल ले लेता हूँ, अब मैं यहाँ x = -1 रख लेता हूँ, तो दोस्तों देखिए क्या होगा, -1 + 2, 2 + 2
माइनस कर दो प्लस कर दो, कट गया कितना आ गया, जीरो आ गया। अगर जो है एक्स की वैल्यू माइनस वन रखने पर इस पॉलिनोमियल में अगर आंसर मेरा जीरो आ जाता है दोस्तों, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन इस पॉलिनोमियल का क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा। ठीक है, चलिए हम और समझते हैं, इसमें और एग्जांपल्स लेते हैं। इसमें देखिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 3x+3 हमारा, एफ एक्स इक्वल टू 3x+3। ठीक है, अगर मैं यहां पे पुट x इक्वल टू माइनस वन रख दूं तो 3 -1+3 ये क्या आ गया दोस्तों, -3+3 ये कट गया, कितना आया दोस्तों, जीरो। यानी अब मेरा जो एफ एक्स क्या आ गया दोस्तों, जीरो आ गया। अगर x इक्वल टू माइनस वन जो पुट करने पर एफ एक्स की वैल्यू जीरो आ जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि जो x इक्वल टू माइनस वन है इस पॉलिनोमियल का, यानी एफ एक्स पॉलिनोमियल का क्या है, एक जीरोज है। ठीक है, नंबर 6 आपके सामने है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। इसका मतलब ये है दोस्तों, हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, हमें जो है इस जहां इस पॉलिनोमियल जो वेरिएबल्स हमें दिए हैं, इन वेरिएबल्स की जगह पे जैसे एक्स, जैसे इनमें जो है वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, तो मुझे उस वेरिएबल की जगह पे वन रखना है। इसमें जो है जैसे इसमें वाई दिया है, तो वाई की जगह 2 रखना है, टी की जगह ए रखना है, वाई की जगह 2 रखना है, तो ये रख के मुझे देखना है इसमें। ठीक है, कि और ये पॉलिनोमियल कैसा होता है। ठीक है, चलिए करते हैं हम, देखिए पहला वाला, पहले की जगह ये पी एक्स की जगह पे मुझे क्या रखना है दोस्तों, 1 रखना है, तो इसे मैं P1 लिख सकता हूँ, P1 इक्वल टू 6 एक्स, एक्स की जगह पे मुझे क्या रखना है दोस्तों, 1, यानी 1 का स्क्वायर करूंगा मैं इसे, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 7 एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे क्या था, 1 रख दिया, यानी जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर मुझे क्या रख देना है दोस्तों, 1 रख देना है। ठीक है, प्लस 5, अब देखिए ये कितना हुआ, एक की चाहे जितनी भी पावर कर दो वो एक ही रहना है। ठीक है, और एक को जिस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वही संख्या आएगी, यानी 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा, -7 और प्लस का 5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या है, 6, 5, 11 और 11 - 7 कितना आया दोस्तों, 4 आंसर। ठीक है, इसका क्या आया दोस्तों, 4 आंसर। अब देखिए ऐसे दूसरा इसमें क्या रखना है दोस्तों, y की वैल्यू मुझे 2 रखनी है, जहां जहां पर मेरा y होगा वहां वहां पर क्या रखना है दोस्तों, 2 रखना है। ठीक है, आप देखिए q2 इक्वल टू 3 2³ - 4 2 और प्लस का √11। ठीक है, अब देखिए 2 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 8। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 3 और ये पे 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8 माइनस, यहाँ पे कितना दोस्तों, 4 है, हाँ 4, 4 दूनी 8 और प्लस का √11। ठीक है, अब इधर देखिए 8 तिया 24, 24 - 8 कितना आया दोस्तों, 16 और 16 + √11 तो कितना आया दोस्तों, 16 + √11। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब देखिए तीसरा, थर्ड में क्या करना है दोस्तों, हमें जहां जहां पर हमारा टी है वहां पे हमें क्या रखना है दोस्तों, ए रखना है, क्या रखना है दोस्तों, ए रखना है। ठीक है, यानी पी जहां टी था वहां ए कर दो, ए। ठीक है, अब देखिए 5 जो टी की जगह पे ए रखना, तो 5 × 4 प्लस टी की जगह, यानी 6 × 3 -2 +6। ठीक है, ये एट इधर है, एट टी इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हमारा ये आ गया। ठीक है, हमारा तीसरे का ये आंसर आ गया दोस्तों। ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अगर मुझे वेरिएबल की जगह मैंने एक कॉन्स्टेंट रख दिया है, लेकिन इस कॉन्स्टेंट की भी मुझे वैल्यू पता नहीं है, एक फिक्स्ड वैल्यू होगी लेकिन वो मुझे पता नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर सिर्फ यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए चौथा, यहाँ पे मुझे y की वैल्यू क्या रखनी है दोस्तों, 2 रखनी है, तो यहाँ पे p 2 रख दीजिए, और यहाँ पे -5 y की जगह पे 2 रखिए, +4 2 का स्क्वायर -7। ठीक है, इधर देखिए माइनस का 5
गुना दो दूनी चार दूनी, सॉरी दो दूनी चार और चार दूनी आठ, ठीक है, प्लस और यहाँ पे दो दूनी चार और चार चौक सोलह, माइनस का सात। अब देखिए आठ पंजे चालीस, ये कितना होगा, माइनस का चालीस प्लस का सोलह और माइनस का सात, ठीक है। अब देखिए माइनस चालीस और माइनस सात, माइनस का सैंतालीस, माइनस सैंतालीस प्लस का सोलह, यानी माइनस सैंतालीस में से हमें सोलह घटाना है, माइनस का आंसर आएगा, माइनस कितना आएगा दोस्तों, सात में से छः गया एक, चार में से गया तीन, यानी माइनस है इकतीस हमारा आंसर आ गया। चलिए हम आगे और क्वेश्चन करते हैं इसके, एग्जाम्पल नंबर सेवन आपके सामने है दोस्तों, चेक करना है वेदर माइनस टू एंड टू आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स प्लस टू, ठीक है दोस्तों। मैंने जीरोस क्या बताया था कि अगर किसी पॉलिनोमियल में हमारा जो भी कोई वेरिएबल है, ठीक है, जो भी कोई वेरिएबल है अगर उसकी जगह पे कोई मैं एक वैल्यू रखूं और वो पॉलिनोमियल पूरा जीरो हो जाए, यानी वो बहुपद पूरा जीरो हो जाए, तो वो जो नंबर हमने लिया था वेरिएबल का, कि वेरिएबल की ये वैल्यू ली थी मैंने, तो वो जो वैल्यू है उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगी, ठीक है, जीरो कहलाएगी। तो अब हमें वही चेक करना है कि ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल है और मुझे जो है वेरिएबल की जगह माइनस टू और टू रख के मुझे देखना है कि ये इसके जीरोज हैं या नहीं है, ठीक है। देखिए सातवां, अब देखिए हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू। अब मुझे x की जगह पे पहले क्या रखूंगा, पहले दोस्तों माइनस दो रखता हूँ मैं, पहले माइनस दो रखता हूँ, माइनस दो रखूंगा तो x यहाँ पे माइनस दो और ये प्लस दो कट गया, कितना आया दोस्तों, जीरो आया, ठीक है। और अब देखिए मैं p इक्वल टू टू रखता हूँ तो x की जगह पे क्या रखूंगा दोस्तों, दो प्लस दो बराबर चार आ जाएगा, यानी एक चार आया एक जीरो आया, यानी अगर मैं x की वैल्यू माइनस टू रखता हूँ तो जीरो आया और x की वैल्यू दो रखता हूँ तो चार आया। इसका मतलब क्या है कि जो x इक्वल टू माइनस टू है, x इक्वल टू माइनस टू है इस पॉलिनोमियल का जीरोज है और x इक्वल टू टू इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है, क्यों, क्योंकि जीरो नहीं आ रहा इसलिए जीरोज भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर आठवा, एग्जाम्पल नंबर आठवें में क्या कहता है देखिए, फाइंड ए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मुझे इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, क्या करने हैं, जीरोज फाइंड आउट करने हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि पी एक्स को मैं जीरो के बराबर लिखूंगा, जीरो के बराबर लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे पी एक्स के क्या है, क्या निकालने हैं दोस्तों, जीरोज निकालने हैं इस वजह से, ठीक है, जीरो, तो इस वजह से मैं क्या रखूंगा, पी एक्स को जीरो के बराबर रखूंगा और पी एक्स मेरा क्या है, थ्री एक्स प्लस टू, थ्री एक्स प्लस टू बराबर, ये भी जीरो के बराबर ही होगा, ठीक है। अब देखिए थ्री एक्स अगर मैं प्लस का दो है इक्वल टू के मैं उधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो गया, माइनस का दो, और अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है मल्टीप्लाई में है, इधर आके बटे में आ जाएगा, कितना आ गया, माइनस दो बटे तीन, तो एक्स इक्वल टू माइनस दो बटा तीन क्या है दोस्तों, ये जीरोज है, कौन से पॉलिनोमियल का, थ्री एक्स प्लस टू का, एक्स इक्वल टू माइनस माइनस टू बाई थ्री इक्वल टू वो माइनस टू बाई थ्री क्या है, जीरोज है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। चलिए अब हम इस बिहाफ पे कोई और क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर नौ आपके सामने है दोस्तों, वेरीफाई करना है वेदर जीरो एंड फाइव आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए दोस्तों ये लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था अभी इससे पहले सेम उसी की तरह है, चलिए हम करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, क्या हमें वेरीफाई करना है कि जीरो और फाइव क्या इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं या नहीं है। देखिए हम इस पॉलिनोमियल को पहले लिख लेते हैं, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, ठीक है, सिर्फ इतना ही है, ठीक है। अब देखिए मैं पहले जीरो रख के देखता हूँ, पी जीरो इक्वल टू एक्स की जगह पे मुझे जीरो रखना है, जीरो का क्यूब माइनस फोर जीरो का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू जीरो, ये पूरा क्या आ गया दोस्तों, जीरो आ गया, ठीक है। अब इधर देखिए पी इक्वल टू अगर फाइव रखता हूँ मैं क्या आएगा, यानी एक्स की जगह पे फाइव का क्यूब माइनस फोर फाइव का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू फाइव, ठीक है। देखिए पाँच पंजे पच्चीस पंजे एक सौ पच्चीस माइनस पाँच पंजे पच्चीस चौक सौ माइनस पाँच पंजे पच्चीस, ये देखिए कितना हुआ, 125 और माइनस का 125 कट गया, क्या आ गया दोस्तों, ज़ीरो। अब देखिए दोस्तों दोनों अगर ज़ीरो आ गए इसका मतलब क्या है कि x बराबर ज़ीरो और x इक्वल टू फाइव ये दोनों के दोनों क्या है, इस पॉलिनोमियल के क्या हैं, जीरोज हैं। अगर
जीरो के अलावा कुछ और आ जाता तो ये इस पॉलीनोमियल के जीरोस नहीं होते, अगर और अगर जीरोस आ रहे हैं तो इस पॉलीनोमियल के जीरोस हैं। ठीक है, चलो अब दोस्तों एक्सरसाइज 2.2 हमारे सामने है और 2.2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू माइनस 2। इसका मतलब यह है दोस्तों, जो हमारे पास पॉलीनोमियल दिया हुआ है, हमें जो हमारा जो इसमें वेरिएबल दिया है उसकी जगह पे पहले हमें 0 रख के देखना है, माइनस 1 रख के देखना है, 2 रख के देखना है और माइनस 2 रख के देखना है, हमारा आंसर क्या आएगा। चलिए अगर मैं पहले की बात करता हूँ, पहले x इक्वल टू क्या रखना है दोस्तों, 0 रखना है। अगर x इक्वल टू 0 रखना है तो जो मेरा पी एक्स है, पी एक्स बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, यानी मुझे x इक्वल टू क्या रखना है दोस्तों, 0 रखना है। तो यानी पी 0 बराबर पी गुना 0, यानी x की जगह पे मुझे क्या रखना है दोस्तों, 0 रखना है, माइनस 4 0 का स्क्वायर और प्लस का 3। क्या है दोस्तों, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 0, और यहाँ पे भी 0 आ गया और प्लस का 3, तो क्या आ गया दोस्तों, आंसर 3 आ गया। यानी अगर x बराबर 0 रखता हूँ तो पॉलीनोमियल का मेरा आंसर क्या आएगा दोस्तों, 3 आएगा। अब देखिए अगर मैं x इक्वल टू माइनस 1 रखता हूँ, यानी पी एक्स बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, मुझे x की जगह पे क्या रखना है दोस्तों, माइनस 1 रखना है मुझे, तो p माइनस 1 5 इंटू माइनस 1 प्लस सॉरी माइनस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 3। अब देखिए अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में करूँगा तो 5 एकम 5 और प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस का 5। और इधर देखिए माइनस का स्क्वायर मैं करता हूँ दोस्तों, देखिए दोस्तों माइनस की कोई भी संख्या होगी अगर मैं उसका स्क्वायर करता हूँ, यानी अगर देखिए कोई भी अगर माइनस की संख्या दी हुई है, अगर उसका जो पावर है यानी एक्सपोनेंट है, अगर एक इवन नंबर है तो हमेशा वो जो एक पॉजिटिव संख्या ही आएगी, लेकिन अगर वो एक ऑड नंबर है, उसकी पावर किसी माइनस नंबर की पावर ऑड है तो हमेशा वो माइनस में ही आएगा। लेकिन हम देखते हैं इसकी पावर क्या है, इवन है। अगर पावर इवन है तो अगर मैं इसका माइनस एक का स्क्वायर करूँ तो प्लस का 1 आएगा। ठीक है, प्लस का 1 आएगा और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और कितना 4 और प्लस का 3, 5 और 4 9, माइनस का 9 प्लस 3 कितना आएगा दोस्तों, माइनस का 6। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में क्या रखना है दोस्तों, x इक्वल टू 2 रखना है मुझे, थर्ड x इक्वल टू 2, यानी हमारा पी एक्स क्या है दोस्तों, पी एक्स है मेरा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, यानी x इक्वल टू क्या रखना है दोस्तों, मुझे 2 रखना है, यानी 2 रख दो, पी 2 5 x की यहाँ पे 2 माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है, 5 दूनी 10 माइनस 2 दूनी 4 चौक 16 प्लस का 3। ठीक है, 10 3 13, 13 माइनस 16 बराबर कितना आ गया दोस्तों, माइनस का 3, और यही मेरा आंसर है। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन दोस्तों, बस हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहीं वहीं पे हमें ये सारी वैल्यू पुट कर देनी है और कुछ भी नहीं करना हमें इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए चौथा, x इक्वल टू माइनस का 2 और px मेरा क्या है दोस्तों, px मेरा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्या रखना है, माइनस 2 रखना है। ठीक है, यहाँ पे माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 3। अब इधर देखिए प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, और इधर देखिए दोस्तों फिर दोबारा से वही चीज़, मैं कहा अगर माइनस का मैं अगर जो माइनस की पावर एक इवन नंबर है तो वो संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, प्लस में हो जाएगी, और 2 दूनी 4 यानी प्लस की 4 हो जाएगी। ठीक है, प्लस की 4 हो गई, माइनस प्लस माइनस और 4 चौक 16। ठीक है, और यहाँ प्लस का 3, ये क्या हो गया, माइनस 10 और माइनस 16 माइनस का 26 और ये प्लस का 3 कितना हो गया दोस्तों, माइनस का 23। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। दोस्तों हमने जो है क्वेश्चन नंबर 2 स्किप किया है, वो दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप उसे जो है कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा हार्ड पड़ता है आपके लिए, इसलिए मैं इसे आपको करवा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये देखिए वेरीफाई करना है हमें कि जो इसके जीरोज, ये जो हमें वैल्यू दी हुई है ये इसके जीरोज हैं या नहीं है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, पहला में क्या बता रहा है, पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 और x की वैल्यू हमें जो है माइनस 1 बाई 3 रखनी है इसके अंदर। ठीक है, जैसे पी माइनस 1 बाई 3 इक्वल टू, पहला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 3x प्लस 1 यानी 3 और x की जगह पे क्या रखना है दोस्तों, माइनस 1 अपॉन 3, माइनस का 1 अपॉन 3 और प्लस का 1, प्लस का 1 क्या है दोस्तों, 3 से 3 कट गया, कितना है, माइनस 1
और प्लस वन, कट गया कितना आया दोस्तों, जीरो आया। अगर देखिए दोस्तों p इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री रखने पे जीरो आ गया, तो इसका मतलब क्या है, पी एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री इस पॉइंट थ्री एक्स प्लस वन पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है। ठीक है, अब देखिए दूसरा, दूसरे में क्या रखना है दोस्तों, एक्स इक्वल टू सेवन बाई फाइव रखना है हमें, पी सेवन बाई फाइव, सेवन बाई फाइव। ठीक है, देखिए फाइव सेवन बाई फाइव माइनस पाई। अब देखिए फाइव से फाइव कट जाएगा, बचेगा इतना दोस्तों सेवन माइनस पाई। ठीक है, सेवन माइनस पाई बचा, सेवन माइनस पाई बचा। ठीक है, अगर सेवन माइनस पाई बच गया इस पॉलिनोमियल एक्स की वैल्यू सेवन बाई फाइव रखने पर, तो इसका मतलब यह है कि एक्स इक्वल टू सेवन बाई फाइव फाइव एक्स माइनस पाइव का पॉलिनोमियल सॉरी जीरोज नहीं है। ठीक है, अब देखिए तीसरा, तीसरा तीसरे में हमें दोस्तों दो संख्याएं हमें चेक करनी है, यानी एक्स इक्वल टू वन चेक करना है और एक्स इक्वल टू माइनस वन चेक करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए थर्ड, पी पहले में, पहले दोस्तों पी वन रख के देखता हूं। ठीक है, पी वन, पी वन तो यानी वन का स्क्वायर इक्वल टू वन का स्क्वायर माइनस का वन, वन का स्क्वायर वन माइनस वन इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, यानी दोस्तों यानी इसका मतलब है एक्स इक्वल टू वन जो है इसका जो है जीरो है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। अब मुझे एक्स इक्वल टू माइनस वन रखना है, यानी पी माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर माइनस का वन। ठीक है दोस्तों, माइनस वन का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा, सिर्फ वन, और माइनस का वन ये भी क्या आ गया दोस्तों, जीरो। यानी एक्स इक्वल टू वन और माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन के क्या है दोस्तों, जीरो है। ठीक है, अब मैं चौथा क्वेश्चन करता हूं, ठीक है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या है, चौथे क्वेश्चन में भी दोस्तों दो वैल्यू रखनी है, एक माइनस वन रखनी है और एक टू रखनी है। ठीक है, चलिए पहले मैं माइनस वन रख के देखता हूं। चौथा क्वेश्चन, पी माइनस वन, माइनस वन रख के देखूंगा। ठीक है, एक्स की जगह पे क्या रखूंगा दोस्तों, माइनस वन प्लस वन, और यहाँ पे माइनस वन और माइनस का टू। ठीक है दोस्तों, ऐसे हमें रखना है। अब देखिए माइनस वन प्लस वन क्या हो गया दोस्तों, जीरो, और ये क्या हो गया दोस्तों, माइनस का थ्री, और माइनस का थ्री का जीरो से मल्टीप्लाई करूँगा क्या क्या आ जाएगा दोस्तों, जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पी इक्वल टू पी टू रखना है मुझे, यानी जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे मुझे टू रखना है, टू प्लस वन, और यहाँ पे टू माइनस टू। अब देखिए यहाँ पे तीन हुआ, यहाँ पे तीन हुआ, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, जीरो, और जीरो को तीन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया दोस्तों, जीरो। इसका मतलब ये है दोस्तों कि एक्स की वैल्यू माइनस वन या दो रखने से ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये जीरो आ जाता है। इसका मतलब है एक्स की वैल्यू माइनस वन और माइनस टू इस पॉलिनोमियल के क्या हैं दोस्तों, जीरोज हैं। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि एक्स स्क्वायर, हमारे पास पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, हमें क्या रखना है, एक्स की जगह पे हमें जीरो रखना है। जीरो रख के हमें देखना है क्या ये टर्म जीरो हो जाती है या नहीं होती, यानी एक्स इक्वल टू जीरो इस पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है। चलिए पांचवा, ठीक है, पी जीरो बराबर जीरो का स्क्वायर बराबर जीरो, इसका मतलब है ये जीरोज है, ये जीरोज है, यानी यस आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, यस। ठीक है, अब देखिए छठा, पी हमें एक्स की जगह पे क्या रखना है दोस्तों, माइनस एम अपॉन एल, यानी माइनस एम अपॉन एल बराबर एल, एक्स की जगह पे क्या रखना है दोस्तों, माइनस एम अपॉन एल और प्लस का एम, एल से एल कट गया कितना बचा, माइनस का एम और प्लस का एम कट गया कितना आ गया दोस्तों, जीरो आ गया। यानी हम ये कह सकते हैं माइनस एम अपॉन एल इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, अब देखिए पांच छह हो गए सवाल, अब सातवां और आठवां रहता है। ये देखिए सातवां सवाल, पी एक्स की जगह पे क्या रखना दोस्तों, देखिए इसमें दो वैल्यू रखनी है, पहले तो एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री और दूसरे पे टू बाई रूट थ्री। ठीक है, अब देखिए पहले मैं माइनस वन बाई रूट थ्री रखता हूँ एक्स की जगह पे। ठीक है, थ्री, अब माइनस वन बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर और माइनस का वन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर मैं माइनस वन का स्क्वायर करता हूँ, माइनस वन इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा दोस्तों, सिर्फ वन हो जाएगा। ठीक है, वन, और अगर रूट थ्री का स्क्वायर करता हूँ दोस्तों, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, जो कि मैंने पिछली क्लास में ही बताया था जब मैंने जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स बताया था। ठीक है, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या हो जाएगा, सिर्फ थ्री, और यहाँ पे माइनस का वन।
ठीक है, 3 से 3 कट गया, कितना बचा दोस्तों 1 माइनस 1 कट के कितना आ गया दोस्तों 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे दूसरी जगह पे क्या रखना है दोस्तों, 2/√3 रखना है एक्स की जगह पे। ठीक है, आप यहीं पे देख लीजिए, यहीं पे कर देता हूँ मैं, पी क्या रखना है दोस्तों 2/√3। अब जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 2/√3 रख दीजिए, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, यहाँ देखिए 3, 2 का स्क्वायर करूँगा 4, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर करूँगा सिर्फ 3, और यहाँ पे माइनस का 3 से 3 कट गया, 4 - 1 बराबर कितना बचा दोस्तों 3। ठीक है, इसका मतलब ये है कि -1/√3 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, बट 2/√3 इज द नॉट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x²-1, यानी 2/√3 इस पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये वाला 8वां। ठीक है, p पहले इसमें भी दो वैल्यू रखनी दोस्तों, पहले जो p 5/2 रखो, यानी सॉरी एक्स पी एक्स की वैल्यू 5/2। ठीक है, 2 यहाँ पे 5/2 प्लस का 1, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा 5 + 1 दोस्तों क्या हो जाएगा 6। ठीक है, यानी 6 बचा, इसका मतलब एक्स इक्वल टू 5/2 इस पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं है। अब मैं रखता हूँ -3/2, पी माइनस का 3/2। ठीक है, माइनस का 3/2 रख के देख लीजिए, माइनस का 3/2, यहाँ पे प्लस का 1, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों -3, प्लस का 1 बचेगा दोस्तों -2। यानी अब देखिए ये भी जीरोज नहीं आया, जीरोज नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ही एक्स की वैल्यू इस पॉलिनोमियल के जीरोज नहीं है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब क्या है दोस्तों, हमें जो इस पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने हैं, क्या निकालने हैं दोस्तों, जीरोज निकालने हैं। अगर दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चन नहीं लिए, मैंने सिर्फ 3 ही क्वेश्चन लिए, बाकी क्वेश्चन आप जो घर पे लगाइएगा। ठीक है, अगर ना आए तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, आपको कोई भी डाउट हो आप उसमें जो है पूछिए, आप जो सवाल डालिए, आप फोटो खींच के डालिए, हम आपको बताएंगे उसको। ठीक है, चलिए हम इसे करते हैं। ठीक है, देखिए अगर मुझे इसके जीरोज निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, कि जो हमारा जो पी एक्स है, पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं दोस्तों, पी एक्स है, मैं उसे 0 के बराबर ले लूंगा। ठीक है, 0 के बराबर मैंने ले लिया, और मेरा पी एक्स की वैल्यू क्या है दोस्तों, ए एक्स, मैंने ए एक्स यहाँ रख दिया, ए एक्स बराबर भी 0 हो गया, क्योंकि जब पी एक्स बराबर 0 है और पी एक्स बराबर एक ए एक्स है, तो ए एक्स भी 0 के बराबर हुआ। ठीक है, अब मुझे जीरोज निकालने हैं तो एक्स इक्वल टू क्या रखूंगा दोस्तों, अगर 0/a हो जाएगा, 0 देखिए दोस्तों ये मल्टीप्लाई में, यहाँ जाकर जो है डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, अब मुझे पता है जब मैं 0 को किसी से भी डिवाइड करता हूँ तो आंसर हमेशा 0 ही आता है, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि एक्स इक्वल टू 0 रखने पर ये पॉलिनोमियल जो, ये हमारा जो पॉलिनोमियल है ये 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन सेम जैसे मैंने पहला किया, सेम ऐसे ही करना है इसे भी। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू 0, और पी एक्स की जगह पर मुझे क्या रखना है दोस्तों, 3 CX + D बराबर 0, और यहाँ पे सी एक्स इक्वल टू -D, क्योंकि यहाँ प्लस का डी इक्वल टू के मैं उधर ले जाऊँगा तो माइनस का डी बचा, और एक्स इक्वल टू क्या बचा दोस्तों, -D/C, और यही मेरा आंसर है इसका। ठीक है, यानी इसके जो जीरोस क्या हुए, इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन py = 0, और py की जगह पे क्या रखना है दोस्तों मुझे, -3y + 7 = 0, और -3y = -7, और y = -7/-3, माइनस से माइनस कट गया, y कितना बचा दोस्तों, सिर्फ 7/3। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसका 5वां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, इफ -3 इज द जीरो ऑफ द px = 3x² + kx + 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसका मतलब है दोस्तों कि जो -3 है वो इसका एक जीरोज है। क्या है दोस्तों, एक जीरोज है। इसका मतलब ये है, ये देखिए सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, देखिए -3 इज द जीरोज ऑफ द दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका मतलब है कि p = अगर मैं -3 रखता हूँ, माइनस थ्री रखता हूँ, p = p -3 रखता हूँ, तो ये 0 के बराबर हो जाता है।
यही मतलब है दोस्तों, अगर मैं कहता हूँ इस पॉलिनोमियल का जीरोस है तो p इक्वल टू पी माइनस थ्री रखूँ तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। और p माइनस थ्री रखूँगा यहाँ पे, देखिए अब देखिए इस वहाँ पे p x यहाँ पे माइनस थ्री रख देता हूँ मैं, माइनस थ्री बराबर थ्री, और x की जगह पे क्या रखना, दो क्या रखना होगा दोस्तों मुझे, माइनस थ्री रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस k, एक्स यहाँ पे क्या रखना है दोस्तों मुझे, माइनस थ्री और प्लस का सिक्स, ठीक है। और देखिए पी माइनस थ्री किसके बराबर है दोस्तों, जीरो के बराबर, तो क्या मैं इसके जीरो के बराबर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, यहाँ पे जीरो लिख सकता हूँ क्योंकि इसके बराबर है। अब देखिए तीन यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, देखो मैंने बताया था माइनस की कोई संख्या अगर मैं उसका स्क्वायर करता हूँ यानी उसका जो एक्सपोनेंट है वो एक इवन नंबर है तो वो दोस्तों वो संख्या हमेशा प्लस में ही रहेगी, ठीक है। तीन तिया नौ यानी प्लस में ही रहेगी नौ, ठीक है। प्लस यहाँ देखिए प्लस माइनस 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 और क्या हो गया थ्री के और यहाँ पे प्लस का सिक्स। अब देखिए यहाँ पे जीरो इक्वल टू नौ तिया सत्ताईस माइनस थ्री के और प्लस का सिक्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैं माइनस थ्री के को इधर ले आता हूँ, इक्वल टू के इधर ले आता हूँ माइनस, तो माइनस का यहाँ पे आके क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का थ्री के और यहाँ पे क्या आ जाएगा सत्ताईस बचेगा और यहाँ क्या बचेगा दोस्तों छः बचेगा, ठीक है। अब देखिए और आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या बचा दोस्तों थ्री के और यहाँ पे सत्ताईस और छः तैंतीस और के इक्वल टू तैंतीस बटा तीन और क्या आ गया दोस्तों ग्यारह, ठीक है। यानी के की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों ग्यारह आ गई, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, आगे हम जो है नेक्स्ट इसका जो हम रिमाइंडर थ्योरम करने वाले हैं इसी चैप्टर में, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं हमारे ऊपर तो हमें पता लगता है कि हमारी वीडियोस कैसी आ रही हैं, आप तक जो है आपको ये पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, क्योंकि कमेंट के जरिए ही हम बता सकते हैं कि किसी को हमारी वीडियो कैसे पता लगती है, हम उनका रिएक्शन जानना चाहते हैं कमेंट से, ठीक है दोस्तों। तो अलविदा लेते हैं हम दोस्तों, थैंक यू।